वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो अलोक इंडस्ट्री स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते हैं कि 20 लेवल पे आज क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है अलोक इंडस्ट्री स्टॉक, यानी कि 95 पैसे ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तकरीबन यहाँ पे 5% ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है अलोक इंडस्ट्री स्टॉक, यानी कि देखा जाए तो एक अच्छी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिले काफी दिनों बाद। आज देखा जाए तो ओपन तो गैप अप से ऊपर ओपन हुआ था। ओपन होते यहाँ पे आप देख सकते प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही सेटल था, एक अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर ही स्टेबल था अलोक इंडस्ट्री स्टॉक, यानी कि देख सकते कि एक अच्छी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी यहाँ पे आप देख सकते दोपहर के बाद में। और देख सकते डेंडिंग में अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ चुका था 5% का। देख सकते काफी दिनों बाद तेजी देखने को मिली स्टॉक के अंदर। देखा जाए तो देख सकते कि मार्केट कैप 9.93,000 करोड़ के करीब, यानी कि 10,000 करोड़ के करीब फिर से एक बार जाती हुई नजर आ चुके हैं। 5 दिनों की मूवमेंट देखी जाए तो गिरावट तो हो चुकी है, 19 लेवल पे जाके फिर से बाउंस बैक करके 20 लेवल पे आ चुका है अलोक इंडस्ट्री स्टॉक। और वॉल्यूम देखा जाए आज के दिन का तो 25 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू जो थी 495 लाख की है। तो देखा जाए तो सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन अवेलेबल नहीं है अभी रिसेंटली अलोक इंडस्ट्री के लिए। तो चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे जैसे कि देख सकते आज देख सकते बुलिश कैंडल फॉर्म हो चुके, नीचे देख सकते कि 19 लेवल पर सपोर्ट ली कि या बाउंस बैक किया फिर से एक बार, तो मंडे के दिन गैप अप से ऊपर ओपन होता है तो तेजी देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। क्योंकि मंडे के दिन यहाँ पे आप देख सकते नया मंथ चालू होगा तो मंथली प्यूट लेवल जो है चेंज हो जाएगी, तो मूवमेंट चेंज होने के चांसेस जरूरी दिखाई देंगे अलोक इंडस्ट्री स्टॉक में मंडे के दिन के लिए। तो यही थे लेटेस्ट अपडेट अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के लिए।